नमस्कार दोस्तों, दोस्तों स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अनिल रॉयल पर। तो दोस्तों आप सबकी डिमांड पर मैं लेकर आया हूं एक बेहतरीन पेंटा हाउस की रहेगा 4 BHK। जी हाँ दोस्तों, 4 BHK लेकर लग्जरी रहेगा और लोकेशन आप देख सकते हैं दोस्तों, जो अपना चंडीगढ़ खरड़ हाईवे है बिल्कुल उसके जैसे ही फ्लाईओवर से नीचे उतरते हैं ये आ जाता है हमारा म्यूज गेट, उबर म्यूज गेट के नाम से ये सोसाइटी है दोस्तों। आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में हमारे कॉमर्शियल प्रॉपर्टी रहेगी, सब फुली हो चुकी है। हमारे यहाँ पे सारे के सारे शोरूम ब्रांड यहाँ पे अच्छे अच्छे आ चुके हैं, आप देख सकते हैं लेव्स, गुरपाल मार्ट, लेबर्टी बर्गर बार, सब कुछ दोस्तों यहाँ पे आ चुका है। और जैसे कि मैं दोस्तों एंटर करता हूँ यहाँ पे सोसाइटी में, सोसाइटी अपनी फुली सिक्योरिटी गेटेड सोसाइटी रहेगी हमारी। दोस्तों जैसे ही हम सोसाइटी में एंटर करते हैं तो ये आ जाता है हमारा क्लब हाउस यानी कि पार्टी हॉल। फिलहाल दोस्तों हमने इसको ऑफिस बना रखा है। जैसे ही हमारी सामने वाली बिल्डिंग रेडी हो जाएगी, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, तो हमारा ये ऑफिस वहाँ शिफ्ट हो जाएगा और आपका ये पार्टी हॉल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर आपका रहेगा जिम रहेगी दोस्तों, लाइब्रेरी रहेगी, वो आपको मैं आगे दिखाऊंगा। तो आइए दोस्तों आपको दिखाते हैं वीडियो के अंदर। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो क्लब हाउस है फिलहाल वो ऑफिस का यूज है। तो अब चलते हैं, हम चल देंगे हमारे फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे हमारा रहेगा दोस्तों गेमिंग एरिया। सबसे पहले मैं दिखाऊंगा दोस्तों जिम। जिम देखिए दोस्तों शानदार है, यहाँ पे सोसाइटी की जिम रहेगी, अपनी पर्सनल जिम रहेगी। आप देख सकते हैं शानदार यहाँ पे खुली स्पेस में जिम बनाई गई है। टाइमिंग का यहाँ पे बनाया गया है कि टाइमिंग आप किस किस टाइम पे यहाँ पे जिम वर्कआउट कर सकते हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं कितनी शानदार तरीके से जिम बनाई गई है। अब चलते हैं हमारे सेकंड गेम जोन की तरफ, जो कि टेबल टेनिस का। यहाँ पे एक अलग से प्रॉपर से कैबिन दिया गया है, देखिए दोस्तों ये टेबल टेनिस का दिया गया है आपके लिए खेलने के लिए। अब चलते हैं हमारे सेकंड फ्लोर यानी कि टॉप फ्लोर, जो कि बेसब्री से आप इंतजार कर रहे थे किस चीज़ का, कि सर आपने बहुत सारी चीज़ें बताई है, आपने स्विमिंग पूल नहीं दिखाया हमें। तो आइए दोस्तों स्विमिंग पूल दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों ये है हमारा स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल आप देख सकते हैं शानदार स्विमिंग पूल बनाया गया है। आप स्पेस देख सकते हैं, स्पेस यहाँ पे शानदार तरीके से बनाया गया है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारा जो मेन जो रोड रहेगा वो रहेगा सोसाइटी के अंदर एंटर करते ही 60 फीट का, और जो इनर हमारा रोड रहेगा वो रहेगा 36 फीट का। और पार्किंग आप देख सकते हैं दोस्तों, वी मार्किंग पार्किंग रहेगी हर फ्लैट की, हर पेंट हाउस की अपनी पार्किंग रहेगी। आइए दोस्तों हम चलते हैं हमारे पेंट हाउस की तरफ। जो हमारी लिफ्ट रहेगी दोस्तों वो 3 फ्लोर की रहेगी, थर्ड फ्लोर यानी कि थर्ड फ्लोर पे हमारा रहेगा पेंट हाउस। आप देख सकते हैं ये मैंने क्लिक कर दिया। आइए दोस्तों चलते हैं हमारे थर्ड फ्लोर यानी कि पेंट हाउस में। तो आइए दोस्तों अब चलते हैं हमारे पेंट हाउस की तरफ। आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा 8 फीट का डोर रहेगा, ज़बरदस्त ये डोर रहेगा। दोस्तों जो हमारा स्मार्ट लॉक रहेगा वो 5 तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप पासपोर्ट इसमें यूज़ कर सकते हैं, पासपोर्ट से इसको ओपन कर सकते हैं, मोबाइल से आप इसको ओपन कर सकते हैं, कहीं भी बैठे आप मोबाइल में एक एप्लीकेशन के थ्रू इसको यूज़ कर सकते हैं, कार्ड से यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसमें की आप इसमें लगा सकते हैं 1 2 3 4 5 6 ये देखिए ये हमारा। और देखिए दोस्तों जैसे ही हम घर में एंटर करते हैं ये आ जाता है हमारा लिविंग एरिया। लिविंग एरिया आप देख सकते हैं दोस्तों बड़ा शानदार तरीके से यहाँ पे तैयार किया गया है। लिविंग एरिया में आप देख सकते हैं फ्लोरिंग बड़ी शानदार दी गई है, और मैं डाउन सीलिंग की बात करूँ दोस्तों विद LED आपकी डाउन सीलिंग रहेगी। आप देख सकते हैं दोस्तों जो लिविंग एरिया है, लिविंग एरिया में बिल्कुल साथ के साथ हमारे रहेगी बालकनी। देखिए दोस्तों टफन ग्लास का हमारा जो इसमें शानदार तरीके से प्रयोग किया गया है, और जो हमारा ये डोर रहेगा ये साउंडलेस रहेगा, 98% इसमें साउंड आपका कवर खत्म हो जाएगा। आप देख सकते हैं बालकनी बड़ी शानदार है। पार्किंग आप देख सकते हैं यहाँ पे पार्क फेस हमारी बालकनी रहेगी, बिल्कुल शानदार नेचर का आप नज़ारा ले सकते हैं। सामने वो हमारा पार्क रहेगा दोस्तों, पार्क में आप देख सकते हैं चिल्ड्रन का अलग से स्पेस है और बहुत सारी चीज़ें हैं उसके अंदर, एक्टिविटी आप कर सकते हैं, ओपन है वहाँ पर जिम रहेगा। आप देख सकते हैं दोस्तों शानदार पार्क है। और आप अगर मैं बात करूँ दोस्तों हमारी बालकनी की, AC का अलग से बाहर यहाँ पे बिल्कुल साथ में फिटिंग दी गई है, आप AC यहाँ पे अटैच अपना कर सकते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं हमारे घर के अंदर, अब दिखाते हैं आपको कि हमारे जो लिविंग एरिया आपने देखा, अब दिखाते हैं आपको हमारे डाइनिंग स्पेस। ये देखिए दोस्तों हमारा डाइनिंग स्पेस आप देख सकते हैं, 6-7 सीटर यहाँ पे आप अपना डाइनिंग टेबल लगाने के बाद भी स्पेस यहाँ पे देख सकते हैं, इनर स्पेस बड़ा शानदार बचा हुआ है। क्योंकि दोस्तों जो हमारा ये पेंटा हाउस है, जो इसका साइज रहेगा 2620 स्क्वायर फीट में इसका साइज रहेगा दोस्तों,
आप देख सकते हैं शानदार तरीके से यहाँ पे प्रयोग किया गया है, ग्लास वगैरह बिल्कुल शानदार तरीके से चीजें दी गई है ताकि आपको एक लग्जरी फीलिंग आए। आप देख सकते हैं दोस्तों वुडन डाउन सीलिंग का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों आपको एक चीज और मैं दिखाता हूँ, बेहतरीन जो चीज, जब मैंने आपको पहले बताया था कि हमारा जो ये घर रहेगा अलेक्सा अनेबल रहेगा, स्विचेज हमारे सारे के सारे स्मार्ट रहेंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों टच के साथ हमारे लाइट कम ज्यादा हम कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए ये बंद हो गया, ये ऑन हो गया, फैन हम उसकी स्पीड कम ज्यादा भी कर सकते हैं। दोस्तों जो हमारा लिविंग एरिया है उसका जो LED पैनल है वो हमारा इस साइड रहेगा बिल्कुल फ्रंट में। AC की फिटिंग आपको प्रॉपर दी जाएगी, AC आपका एक यहाँ पे रहेगा सामने, इसका बाहर का मैंने आपको बता ही दिया था कि आप एक्सटर्नलाइजर बाहर लगा सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों हमारे किचन की तरफ। किचन में जाने से पहले हमारा एक स्पेस आ जाता है दोस्तों, बेहतरीन स्पेस जो हमारा बच जाता है। आप चाहे तो दोस्तों बच्चों के लिए यहाँ पे आप लाइब्रेरी बना सकते हैं, किड्स रूम यहाँ पे आप बना सकते हैं, या फिर अपना स्टोर रूम यहाँ पे बना सकते हैं कस्टमाइज तरीके से। जो हमारा पेंटा हाउस है दोस्तों आप अपने तरीके से इसको बना सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों स्पेस अच्छा बचा हुआ है। ये सिर्फ ध्यान में रखें एक अच्छी फैमिली, एक बड़ी फैमिली को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है कि आप अपना स्टोर रूम यहाँ पे बना सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों हमारी किचन की तरफ। किचन देखिए दोस्तों कितना शानदार किचन यहाँ पे बनाया गया है। हाइड्रोलिक हमारे यहाँ पे कबर्ड वगैरह रहेंगे, कैबिन बड़े शानदार बनाए गए। एक चीज और मैं बताता हूँ दोस्तों, जो हमारा सेमी फर्नीचर रहेगा उसके अंदर कंपनी आपको रेफ्रिजरेटर प्रोवाइड नहीं कर रही है, उसमें आपका ये रहेगा RO की, इसमें आपको फिटिंग दी गई, गीजर की आपको फिटिंग दी गई है, चिमनी की आपको यहाँ पे फिटिंग मिलेगी, और जो हमारे कैबिन रहेंगे वो भी बड़े शानदार रहेंगे, सॉफ्ट तरीके से यहाँ पे ये ओपन होंगे और बंद होंगे। ये देखिए दोस्तों, और अगर मैं बात करूँ कैबिन की, कैबिन भी देखिए दोस्तों, अगर मैं बंद करूँगा इनको बड़े शानदार तरीके से आराम से बड़े प्यार से सॉफ्ट तरीके से बंद होंगे। ये देखिए दोस्तों कैबिन सारे यहाँ पे अच्छे अच्छे कैबिन यहाँ पे दिए गए, स्पेस अच्छा दिए गए ताकि आपका जो भी क्रोकरी का सामान है वो पूरा प्रॉपर यहाँ पे आ सके, यानी कि छोटे बर्तन बड़े बर्तन प्रॉपर तरीके से आ सके। अगर मैं बात करूँ दोस्तों फ्लोरिंग की, फ्लोरिंग शानदार तरीके से दी गई है ताकि जो आपकी किचन की लुक है वो अच्छी आए। डाउन सीलिंग भी आपको यहाँ पे एक अलग से यूनिक से डिजाइन करके दिया गया है। और साथ के साथ अगर मैं बात बताऊँ दोस्तों आपको कि आपका ब्रेकफास्ट, जी हाँ दोस्तों ब्रेकफास्ट आप यहाँ पे कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट के लिए एक टेबल यहाँ पे शानदार तरीके से दी गई है, जो एक फैमिली की डिमांड होती है कि हमें एक ऐसी टेबल प्रोवाइड की जाए। और साथ के साथ अगर मैं बात करूँ दोस्तों सिंक आपका डबल सिंक रहेगा, और यहाँ पे वेंटिलेशन की तो दिक्कत आने वाली है ही नहीं दोस्तों, क्योंकि आपको एक अलग से यहाँ पे देखिए दोस्तों खिड़की प्रोवाइड की गई है, और वो भी टफन ग्लास के साथ। अब इसको बंद कर देते हैं दोस्तों। जो हमारी किचन है, जिसका स्पेस रहेगा, उसका जो साइज है वो रहेगा 11x13 का। जी हाँ दोस्तों इसका साइज रहेगा 11x13 का। अब चलते हैं दोस्तों हमारे मास्टर बेडरूम की तरफ। मास्टर बेडरूम तो दोस्तों आप देखोगे मंत्रमुग्ध हो जाओगे। देखिए दोस्तों ये हो गई हमारी मास्टर बेडरूम की। मास्टर बेडरूम में तो दोस्तों आते ही आप कलर कॉम्बिनेशन, ऑफ फ्लोरिंग, डाउन सीलिंग, कुछ भी चीज़ देख लो यूनिक एक थीम रखी गई है। आप जितने भी हमारे चार बेडरूम हैं दोस्तों, चारों बेडरूम की अलग अलग थीम रहेगी, लाइक एक फैमिली की तरह जो एक फैमिली चाहती है वो सारी की सारी चीज़ें। ये हमारा LED पैनल रहेगा दोस्तों, आप देख सकते हैं स्विचेज गोल्ड मेडल के रहेंगे ब्रांडेड, और साथ के साथ यहाँ पर आपके लिए कैबिन वगैरह प्रोवाइड किए गए हैं जो कि आप अपना सामान यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। और अगर मैं बेड की बात बताऊँ दोस्तों, बेड हमारा लगने के बाद भी अच्छा यहाँ पर देख सकते हैं लुक आ रही है, उसके बाद भी यहाँ पे स्पेस शानदार बचा हुआ है। क्योंकि दोस्तों जो साइज है, मैं एक चीज और बता दूं दोस्तों, जो हमारे चार बेडरूम है, चारों बेडरूम का साइज रहेगा 12x15 का। जी हाँ दोस्तों 12x15 का साइज रहेगा। साथ के साथ अगर मैं बात करूं दोस्तों हमारे कवर्ड की, कवर्ड आप देख सकते हैं, ये देखिए दोस्तों शानदार कवर्ड बनाया गया है, बिल्कुल शानदार इसमें वुडन का इस्तेमाल किया गया है। आप देख सकते हैं सॉफ्ट तरीके से ये बंद होता है, और नीचे भी स्पेस अच्छा बनाया गया है। आप देख सकते हैं स्पेस की तो कोई कमी होने वाली नहीं है दोस्तों, क्योंकि ऊपर से नीचे तक अपनी ये कबर्ड रहेगी। और उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं दोस्तों डाउन सीलिंग आप देख सकते हैं लेटेस्ट यहाँ पे आपको डिजाइनिंग दिया गया है। अब चलते हैं दोस्तों हमारे वॉशरूम की तरफ। वॉशरूम देखिए दोस्तों शानदार तरीके से वॉशरूम बनाया गया, अच्छा स्पेस है दोस्तों अपने वॉशरूम का। वॉशरूम की अगर मैं बात करूं दोस्तों, इसके अंदर जो हमारे सैनिटरी रहेगी वो रहेगी रोका कंपनी की। जी हाँ दोस्तों रोका कंपनी की हमारी सैनिटरी रहेगी। टाइल्स की बात करूँ दोस्तों, ऊपर से नीचे तक टाइल्स है ताकि आपको सीलिंग वगैरह की तो प्रॉब्लम आएगी भी नहीं। और अगर मैं बात करूँ दोस्तों हमारा ये देखिए कैबिन बहुत बढ़िया तरीके से आपको वैनिटी दी गई है। ये देखिए दोस्तों
और स्पेस मैंने आपको बता ही दिया था दोस्तों, जो हमारे बेडरूम है 12x15 की इसका स्पेस रहेगा। तो दोस्तों बेडरूम के बिल्कुल साथ में हमारे अटैच है, देखिए दोस्तों बालकनी, ये हमारी एंट्री रहेगी बालकनी की। बालकनी तो एरिया है दोस्तों, स्पेस है वो बड़ा शानदार है, आप देख सकते हैं। हमारे यहाँ पे गीजर की फिटिंग जो रहेगी बाहर की तरफ रहेगी, जो हमारा वॉशरूम था उसकी, और साथ के साथ एसी का मैंने आपको पॉइंट बता दिया है, यहाँ पे आपका बाहर का रहेगा। और साथ के साथ अगर मैं बात करूँ दोस्तों, आप इसको बैठने का बना सकते हैं जैसा आप चाहते हैं, वॉशिंग एरिया आप इसको यूज करना चाहते हैं, वॉशिंग एरिया भी आप इसको यूज कर सकते हैं, मतलब कि ठंडी हवाएं, प्रकृति का स्पर्श, वो सारी चीज़ें यहाँ पे होने वाली दोस्तों। अगर मैं बात करूँ दोस्तों, 20 की फिटिंग आपको यहाँ पे प्रॉपर दी गई है, और एक स्विच वगैरह दिया गया ताकि आप वॉशिंग मशीन भी आप यहाँ पे यूज करो तो आपको कोई दिक्कत ना आए। अब चलते हैं दोस्तों हमारे सेकंड बेडरूम की तरफ, सेकंड बेडरूम में आपको दिखाता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों ये है हमारा सेकंड बेडरूम, सेकंड बेडरूम की थीम भी आप देख सकते हैं दोस्तों, शानदार तरीके से बनाई गई है। लाइक आप कबर्ड देख सकते हैं, डाउन सीलिंग आप देख सकते हैं, फ्लोरिंग आप देख सकते हैं, बेड आप देख सकते हैं, मतलब कि शानदार तरीके से थीम रखी गई है कंपनी ने एक अच्छी लग्जरी लाइफ देने के लिए, ताकि फैमिली में अगर कोई चाहे कि हमें ये चीज़ चाहिए उसको बोलने की जरूरत ही ना पड़े, वो सारी की सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई है। आप कबर्ड देख सकते हैं दोस्तों, शानदार तरीके से बनाया गया है, आप देखिए दोस्तों ऊपर से नीचे तक, और स्पेस की तो कोई कमी होने वाली है ही नहीं है। आप चाहे तो अपना एंटिक पीस वगैरह यहाँ पर, डिजाइनिंग कोई भी आइटम यहाँ पर रख सकते हैं। वुडन का यहाँ पर अच्छे से इस्तेमाल किया गया है, वुडन का प्रयोग बढ़िया ज़बरदस्त तरीके से किया गया है, आप देख सकते हैं। डाउन सीलिंग मैंने आपको बता दी है, जैसा आप चाहते हैं वैसी हो जाएगी। बाकी तो LED इसमें लगाई गई है, लाइट प्रोवाइड प्रॉपर तरीके से दी गई है। ये है दोस्तों हमारा वॉशरूम, वॉशरूम आप देख सकते हैं दोस्तों सेम रहेगा, थीम मैंने आपको बता दी, सबकी वॉशरूम की, बेडरूम की सबकी थीम अलग अलग है, आप देख सकते हैं। रोका कंपनी की हमारे सेम सैनिटरी रहेगी, और टाइल्स की बात करूं, टाइल्स हमारे फुली ऊपर से लेके डाउन तक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए लाइक सीलन वगैरह की। और आप देख सकते हैं आपकी वैनिटी भी आपको प्रॉपर तरीके से दी गई है, ताकि आपका कोई भी सामान आप रखना चाहो रख सकते हो। सॉफ्ट यहाँ पे आपकी वैनिटी रहेगी, कबर्ड यहाँ पे, कैबिन वगैरह शानदार रहेंगे, और मैंने आपको सैनिटरी बता दी, गीजर की फिटिंग आपको यहाँ पर प्रॉपर मिलेगी। और अगर मैं बात करूँ वेंटिलेशन की, तो दिक्कत आने वाली है ही नहीं दोस्तों, क्योंकि आपको एक प्रॉपर तरीके से एक खिड़की यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। तो आइए दोस्तों चलते हैं हमारे सेकेंड फ्लोर की तरफ, जहाँ पे हमारे थर्ड और फोर्थ बेडरूम रहेंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों जो सीढ़ियाँ हैं उसका स्पेस बड़ा शानदार है, अच्छी, मतलब कि अगर आप हैवी सामान भी ऊपर लेके जाते हैं तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। विद LED यहाँ पे आपका दिया गया है आपको, कि मतलब कि एक लुक अच्छी आए, आप देख सकते हैं दोस्तों। जैसे हम ऊपर आते हैं सेम एज इट हमारे लिविंग एरिया होगा, जैसा हमारा नीचे लिविंग एरिया था वैसा ही यहाँ पर रहेगा, सेम एज इट इज। आप स्पेस देख सकते हैं दोस्तों, कि आप यहाँ पे अपना सोफा वगैरह भी लगा सकते हैं, जैसा आपकी रिक्वायरमेंट है आप कर सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक, वैसे तो एक कंपनी ने आपको एक बार की थीम दी गई है, आप चाहे तो यहाँ पे एक छोटा सा बार बना सकते हैं, या फिर आप एक अपना पूजा रूम यहाँ पे बना सकते हैं एज योर रिक्वायरमेंट। एक चीज़ और मैं बताऊंगा दोस्तों आपको, कि जो हमारा सेकेंड फ्लोर रहेगा, जो हमारे थर्ड और फोर्थ बेडरूम रहेंगे, बिल्कुल उसके साथ में एक डोर दिया गया है, इमरजेंसी डोर इसको आप बोल सकते हो, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप इसको ओपन करवा सकते हो या फिर आप इसको बंद करवा सकते हो, आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार है। ये देखिए दोस्तों, जैसे रात को लेट सेट अगर आप आते हो तो यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों हमारे बेडरूम की तरफ, बेडरूम के आपको मैं दिखाऊंगा कि उसकी थीम कैसी है, क्या क्या चीज़ें उसमें अलग दी गई है। तो आइए दोस्तों हमारे थर्ड बेडरूम की तरफ, दोस्तों ये है हमारा थर्ड बेडरूम। आप थीम तो देख ही पा रहे होंगे दोस्तों, कि सारे के सारे जितने भी हमारे बेडरूम है सबकी थीम अलग है। लाइक हमारे कबर्ड की बात कर लो, बेड की बात कर लो, फ्लोरिंग की बात कर लो, डाउन सीलिंग की बात कर लो, यानी कि कोई भी चीज़ है वो सेम नहीं रहेगी, यूनिक चीज़ें आपको दी गई है। जैसे कि अगर मैं कबर्ड की बात करूँ दोस्तों, कबर्ड हमारा देख सकते हैं शानदार यहाँ पे कबर्ड दिया गया है, यहाँ पे ये देखिए मैग्नेटिक हमारा कबर्ड रहेगा। और अगर मैं बात करूँ दोस्तों, जैसे मैंने आपको नीचे बताया था, जो हमारे स्विचेज रहेंगे वो स्मार्ट रहेंगे, आप देख सकते हैं दोस्तों स्मार्ट स्विचेज, ये देखिए ये मस्त है, जबरदस्त। अलेक्सा अनेबल रहेगा। बेड के बिल्कुल सामने हमारा LED पैनल रहेगा, आप देख सकते हैं दोस्तों शानदार, यहाँ पे आप अपनी LED इंस्टॉल कर सकते हैं। कैबिन आपको शानदार दिए गए हैं, यानी कि स्पेस की कोई कमी नहीं होने वाली है। अब चलते हैं दोस्तों हमारे वॉशरूम की तरफ, ये देखिए दोस्तों ये है हमारा वॉशरूम, वॉशरूम की थीम भी आप देख पा रहे हो दोस्तों, सारे के सारे वॉशरूम जो है यूनिक बनाए गए हैं। लाइक हमारे जो सैनिटरी है रोका कंपनी की रहेगी, इसकी जो वैनिटी है सबकी वैनिटी अलग रहेगी, ये देखिए दोस्तों शानदार यहाँ पे वैनिटी दी गई है।
और हमारा जो मैंने आपको नीचे बताया था कि आपको वेंटिलेशन की कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि आपको एक छोटी सी खिड़की प्रोवाइड की गई है और हमारे जो टाइल्स है वो ऊपर से नीचे बिल्कुल एज इट इज सेम रहेगा। हमारे 4x4 जितने 4x4 हमारे बेडरूम है, चारों में वॉशरूम हमारे सेम रहेंगे। थीम थोड़ी सी अलग हो जाएगी दोस्तों, जैसा आपने देखा। अब मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, जो ये हमारा बेडरूम है बिल्कुल उसके साथ में अटैच है दोस्तों हमारी बालकनी। ये देखिए दोस्तों, बालकनी हमारी जो सेकंड बालकनी ये हमारी आ जाती है। ये देखिए दोस्तों, आप इसको वॉशिंग एरिया भी यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको नीचे बताया था। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे 20 की फिटिंग आपको दी गई है ये वॉशरूम में, और बाहर अलग से इसको अपने गीजर की फिटिंग दी गई, स्विच वगैरह दिए गए हैं, एक अपनी AC की फिटिंग के लिए अलग से यहाँ पे बाहर आपको प्रोवाइड की गई, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। आप देख सकते हैं दोस्तों, स्पेस अच्छा शानदार बचा हुआ है। अगर मैं इसकी बात करूँ दोस्तों, सेम नीचे मैं दिखाना भूल गया, 4th बेडरूम की दोस्तों जो एंट्री है यहाँ से रहेगी, 3rd की यहाँ पे है। तो आइए चलते हैं दोस्तों हमारे 4th बेडरूम की तरफ। तो दोस्तों ये आ जाता है हमारा 4th बेडरूम, जो कि देखिए कितना शानदार लग्जरी यहाँ पे लुक दी गई है। थीम मैंने आपको बता दिया दोस्तों, सबकी अलग अलग थीम है। थोड़ा सा इसमें कवर्ड का थोड़ा सा इसमें स्टाइल चेंज किया गया है एज ए रिक्वायरमेंट फैमिली। ये देखिए दोस्तों, स्लाइड हमारा ये कवर्ड रहेगा शानदार। ये देखिए दोस्तों, और कैबिन की बात करूँ दोस्तों, यहाँ पे कैबिन इसमें बहुत सारे बनाए गए हैं, ताकि आपको स्पेस की कोई दिक्कत ना आए। ये देखिए दोस्तों, ऊपर से नीचे तक हमारी ये कवर्ड रहेगी, और अंदर तक है, दीवार के अंदर ही है हमारी। और आप देख सकते हैं दोस्तों, जो हमारा बेड है, बेड के बिल्कुल बैक साइड में आपको एक वुडन वर्क दिए गए शानदार लग्जरी लुक देने के लिए। डाउन सीलिंग की बात करूं दोस्तों, डाउन सीलिंग आप देख सकते हैं विद LED रहेगी आपकी डाउन सीलिंग। AC आपका इसमें भी रहेगा, चारों बेडरूम में हमारी AC रहेगी, और लिविंग एरिया में हमारी एक AC रहेगी, यानी कि 5 AC की फिटिंग आपको मिलेगी। और ये हमारा LED पैनल रहेगा दोस्तों, आप देख सकते हैं वैनिटी इसके, आप देख सकते हैं कैबिन यहाँ पे प्रॉपर तरीके से दिए गए हैं। आप चलते हैं दोस्तों हमारे वॉशरूम में। दोस्तों जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, जो हमारे 4 बेडरूम है, चारों का साइज सेम रहेगा, 12x15 का साइज रहेगा। आप देखिए दोस्तों, इसकी थीम भी यूनिक है। चारों बेडरूम के जितने भी वॉशरूम थे, सबकी थीम अलग थी। आप देख सकते हैं, टाइल्स ऊपर से नीचे तक एज इट इज रहेगी, रोका कंपनी की हमारी सैनिटरी रहेगा। वैनिटी आप देख सकते हैं दोस्तों, शानदार तरीके से वैनिटी यहाँ पे बनाई गई है। और मैंने आपको एक चीज भी बताई थी, बताता भी आ रहा हूँ, कि आपको वेंटिलेशन की कोई दिक्कत नहीं आने वाली, सनलाइट आपको प्रॉपर तरीके से मिलेगी। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको सारे के सारे बेडरूम में एक चीज दिखाई थी, कि जो हमारे बालकनी है वो सारे के सारे जितनी बेडरूम है उनमें से एंट्री रहेगी। ये देखिए दोस्तों, जो मैंने पिछले बेडरूम में आपको बताई थी, यहाँ पे ये एंट्री रहेगी। ये देखिए दोस्तों, स्पेस अच्छा बचा हुआ है यहाँ पे, जो मैंने आपको पहले बताई थी। तो अब चलते हैं दोस्तों हमारे मेन पार्ट की तरफ। तो दोस्तों अब चलते हैं हमारे ऐसे पार्ट की तरफ, जो आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि दोस्तों जो हमारा ये 4BHK पेंटा हाउस है, इसका जो मेन पार्ट है, जबरदस्त जो पार्ट है, वो है हमारा प्राइवेट लोन। आप देख सकते हैं प्राइवेट लोन कितना शानदार यहाँ पे बनाया गया है, यानी कि आप अपनी प्राइवेट यहाँ पे हाउस पार्टी आप कर सकते हैं। चाहो तो आप अपना एक ओपन किचन यहाँ पे बना सकते हैं एज ए रिक्वायरमेंट, यानी कि कस्टमाइज आप कर सकते हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट है। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप एक छोटा सा क्लब हाउस भी बना सकते हैं, क्लब यहाँ पे पार्टी वगैरह जो आपका मन करे आप यहाँ पे बना सकते हैं, क्योंकि स्पेस इतना दिया गया है दोस्तों, कमी नहीं होने वाली स्पेस की, क्योंकि जो इसका साइज रहेगा वो मैंने पहले भी आपको बताया, 2620 स्क्वायर फीट में हमारा ये पेंटा हाउस रहेगा। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ दोस्तों आपको, कि यहाँ पे आपको बाहर 20 की फिटिंग भी दी गई है, लाइटिंग वगैरह प्रॉपर यहाँ पर आपको दी गई है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने पूरी वीडियो में आपको बताया, आपको चार मैंने यहाँ पे बेडरूम दिखाए, वॉशरूम दिखाए, लिविंग एरिया दिखाया, ड्रॉइंग एरिया आपको दिखाया, किचन दिखाया, यानी कि शानदार जो यहाँ पे चीजें दी गई है वो सारी की सारी यहाँ पे आपको दिखाई गई। अब मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों इसके प्राइस की। प्राइस रहेगा दोस्तों इसका 1,51,00,000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, 1,51,00,000 रुपए रहेगा। और जब आप यहाँ पे विजिट करोगे, आप देखोगे दोस्तों शानदार यहाँ पे सोसाइटी है। सोसाइटी लगभग हमारे यहाँ पे फुली हो चुकी है, कुछ यूनिट यहाँ पे बाकी है। आप यहाँ पे आइए, जल्दी आइए दोस्तों, बाकी आप यहाँ पे विजिट करोगे आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे बताई जाएगी। दोस्तों अगर मैं बात करूँ लोकेशन की, लोकेशन रहेगी दोस्तों जो हमारा चंडीगढ़ खरड़ हाईवे है, यानी कि चंडीगढ़ से खरड़ की तरफ हम आते हैं, जो हमारा हाईवे है ऊपर का, जहाँ पे खत्म होता है बिल्कुल उसके राइट साइड में हमारा ये उबर म्यूज गेट के नाम से सोसाइटी है दोस्तों। यहाँ पे आप आइए, विजिट कीजिए। कनेक्टिविटी आपको मैंने बता दी, लोकेशन आपको बता दी, आपको फैसिलिटी आपको मैंने सारे कुछ बता दिया, कि हमारा जो रेजिडेंशियल जो पार्ट है वो बैक में रहेगा, फ्रंट में हमारे जितने भी शोरूम है वो रहेंगे, जैसे आपने वीडियो में देखा।
लिखा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो दोस्तों लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।